सूर्य के नक्षत्र में आ गए हैं मंगल। मंगल का ये गोचर दिखाएगा आप कमाल। इन चार राशियों की होगी मौज, मंगल देंगे मनचाहा फल। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष चर्चा के इस कार्यक्रम में मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और मेरे Facebook पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों के लिए यह जानकारी लेने आया हूं कि 3 सितंबर से मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है और वे अपने मित्र सूर्य के हस्त नक्षत्र में आ गए हैं। सूर्य के नक्षत्र में आते ही ग्रहों के सेनापति मंगल अत्यंत पावरफुल हो गए हैं और पावरफुल मंगल कई राशियों की अब मौज करवाएंगे। इन राशियों का कारोबार और कैरियर कई गुना तेजी से बढ़ेगा और कई राशियों का जबरदस्त लाभ भी होगा। 3 सितंबर को सुबह 7:25 पर मंगल ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और वह सूर्य के हस्त नक्षत्र में आ गए हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वैदिक ज्योतिष के मुताबिक 27 नक्षत्रों में जो हस्त नक्षत्र है ये 13वें स्थान का नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हस्त नक्षत्र में मंगल के होने पर ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, डटकर मेहनत करने वाला होता है और अपनी लगन से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से धन कमाने का शौकीन होता है। मंगल के इस नक्षत्र में आने से कुछ राशियों को बहुत तगड़ा लाभ होने वाला है और मैं उन्हीं राशियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे पेज और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी को अगर आपने अभी तक फॉलो या लाइक नहीं किया है तो इसे कृपया जरूर फॉलो कीजिए। मंगल के सूर्य के नक्षत्र में गोचर करने से जिन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है उनमें पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, सूर्य की ये उच्च राशि है, इसलिए मेष राशि वाले डबल फायदे में रहने वाले हैं। मंगल यहां सूर्य के नक्षत्र में गोचर करते हुए मेष राशि के जो गुप्त शत्रु हैं उनका खात्मा करेंगे, गुप्त शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर मेष राशि वाले कोई कानूनी मुकदमा लड़ रहे हैं तो यह समय उनके फेवर में जा सकता है, लेकिन आपको अपने थोड़ा हेल्थ पक्ष का ख्याल रखना होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों को मंगल के हस्त नक्षत्र में गोचर से माता पिता का सहयोग मिलेगा, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और बिजनेस के लिहाज से यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो अच्छी खबर मिल सकती है और विद्यार्थियों के लिए समय खास तौर पर शानदार रहने वाला है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे और धन लाभ के योग भी बनेंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि कर्क राशि है और कर्क राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी वाणी में एक अलग तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा जिससे लोग आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जुड़ेंगे। वहीं अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको आपके परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति में भी आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग मार्केटिंग में जुड़े हैं, मीडिया में जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, उनके लिए समय शानदार रहने वाला है। और चौथी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है जिसे मंगल का सूर्य के नक्षत्र में गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला है। आपको संतान संबंधी कोई अच्छी खबर, शुभ खबर सुनने को मिल सकती है। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उधार दिया हुआ है तो वापस लौटने के योग बनेंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके कैरियर में तरक्की के योग बनेंगे। कुंडली में आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक माहौल आपका बढ़िया रहेगा और सभी परिवार के सदस्यों में एक अच्छी गुडविल बनी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, आपके कई अटके हुए काम बनते चले जाएंगे। और पांचवी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मंगल की ही अपनी राशि है। ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत साहसी होते हैं,
और मंगल सूर्य के नक्षत्र में आकर वृश्चिक राशि वालों को गजब की सफलता देने वाले हैं। इस अवधि में वृश्चिक राशि के व्यक्ति कोई भी साहसिक निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। आपको कैरियर आपका तेजी से आगे बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी, इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, इनकम के नए नए सोर्स बन सकते हैं और बिजनेस से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेटर होगी। समाज में आपका यश और मान बढ़ेगा। संतान संबंधी कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। कोई नया स्टार्टअप या कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहें तो ये अवधि आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। तो ये था मंगल का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना और बहुत पावरफुल हो जाना और कई राशियों को डट का लाभ देना। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।